बच्चों, हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, ये बच्चों अच्छे से समझना। आज हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। देखो बच्चों, ये होता है हेलीकॉप्टर और ये होता है एयरप्लेन। ओके, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों, जो एरोप्लेन होता है और हेलीकॉप्टर होता है, ये जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है, ये सिर्फ एयर में चलता है। ओके, जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर होता है, ये एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द फास्ट एरोप्लेन फ्लू इन December 1903। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फास्ट एरोप्लेन चला था और कब चला था, जो फास्ट एरोप्लेन उड़ा था वो कब उड़ा था, दिसंबर महीने में उड़ा था। 1903 दिसंबर में उड़ा था, ये याद रखना। जो फास्ट एरोप्लेन उड़ा था कब उड़ा था, दिसंबर महीने में। कब? 1903 में। ओके, एयर ट्रैवल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, एयर ट्रैवल मतलब एयर ट्रांसपोर्ट एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, नियरली एवरी स्टेट इन इंडिया हैज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बच्चों, इंडिया में जो बहुत सारा स्टेट है, हर स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, और कुछ स्टेट में नहीं है, लेकिन हर स्टेट में इंटरनेशनल और खुद का एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, समझे। जैसे हमारे उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है, झारसुगुड़ा पर है। ओके, हर स्टेट में एयरपोर्ट है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर सम ऑफ द मेजर स्टेट दैट हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बच्चों, कुछ स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली पर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इधर बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, और हमारे स्टेट पर भी और बाकी सब स्टेट पर भी है, लेकिन ये जो बड़े बड़े सिटी है, इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, समझे। तो बच्चों, एयर ट्रांसपोर्ट एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है, जैसे हेलीकॉप्टर चलता है, एरोप्लेन। ओके, जो फास्ट एरोप्लेन उड़ा था कब उड़ा था बच्चों, दिसंबर महीने में उड़ा था। 1903 दिसंबर महीने में ये उड़ा था। ओके, और ये एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों, एक एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।